संप्रदा सिंह का जन्म वर्ष 1925 में बिहार के जहानाबाद जिले के ओकारी गांव में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संप्रदा सिंह ने 1953 में रिटेल केमिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने पटना में दवा की दुकान की शुरुआत की। दुकान जब अच्छी चल पड़ी तो उन्होंने 1960 में फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कई कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। पूर्वी भारत में डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के बाद संप्रदा सिंह कारोबार विस्तार के लिए 1,00,000 रुपये लेकर मुंबई गए और एल्केम लेबोरेटरीज नाम से दवा कंपनी बनाई। शुरुआत में उन्होंने दूसरे की दवा फैक्ट्री में अपनी दवाइयाँ बनवाई। मांग बढ़ने पर उन्होंने खुद की दवा फैक्ट्री की शुरुआत की। फोर्ब्स पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से वर्ष 2013 में उनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन US डॉलर्स थी, जो बढ़कर 2018 में 3.3 बिलियन US डॉलर्स हो गई और भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में वह 46वें स्थान पर भी रहे। एल्केम का IPO 2015 में निकाला गया और इसमें संप्रदा सिंह और उनकी फैमिली का 80% मालिकाना हक भी था। 1,00,000 रुपये से दवा कंपनी की शुरुआत करने वाले और उसे 3.3 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा की कंपनी बनाने वाले एल्केम के मालिक संप्रदा सिंह का निधन 27 जुलाई 2019 को हुआ। To get regular updates, subscribe to Pharma State YouTube channel and follow the social media pages.